फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी ग्रीनबरी कमिटी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन इसे स्टडी करने से पहले हम अपने मेन टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो मेन टॉपिक है कमिटीज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, कि इंटरनेशनल लेवल पर जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्व हुआ तो कौन कौन सी कमिटीज बनी। तो सबसे पहले आई थी कैडबरी कमिटी रिपोर्ट 1992 में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो कैडबरी कमेटी रिपोर्ट के बाद आई थी ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995 में, फिर आई हैम्पल रिपोर्ट 1998 में, फिर सार्वर्स ऑक्सले एक्ट बना 2002 में, फिर माइनस रिपोर्ट आई 2004 में। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रीनबरी कमेटी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम इसकी नीड पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन था कि ग्रीनबरी कमेटी बनाई गई, क्योंकि ऑलरेडी कैडबरी कमेटी बनी हुई थी। तो ऐसा क्या नया इश्यू अराइज हो गया जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमें एक और कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी। तो इसकी नीड है द इशू ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन वॉज बिकमिंग प्राइमरी कंसर्न, कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन एक इशू बन गई थी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो कैडबरी कमेटी ने भी एक रिकमेंडेशन दी थी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, लेकिन वो रिकमेंडेशन कहाँ फॉलो होती है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना, क्योंकि डायरेक्टर बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे थे रेम्यूनरेशन की, एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो डायरेक्टर्स को इतनी ज्यादा रेम्यूनरेशन पे करें। तो वहां से ये इशू निकल कर आया, एंड इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ग्रीनबरी कमेटी बनाई गई। तो ग्रीनबरी कमेटी का मेन फोकस था डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन पर। सो नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट। ग्रीनबरी कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1995। ग्रीनबरी कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी जनवरी 1995 में। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। ग्रीनबरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी 17 जुलाई 1995 को। फ्रेंड्स, ईयर सेम है 1995, बट एस्टैब्लिशमेंट हुई थी जनवरी में एंड रिपोर्ट पब्लिश करी है 17th ऑफ जुलाई को बाय यूके फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस अथॉरिटी के थ्रू ग्रीनबरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। नेक्स्ट इज चेयरमैन। ग्रीनबरी कमेटी के चेयरमैन हैं सर रिचर्ड ग्रीनबरी, इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम पड़ा। नेक्स्ट है मेन पर्पस। इस कमेटी का मेन पर्पस वही है जिस वजह से कमेटी बनी थी। ये कमेटी इसलिए बनी थी क्योंकि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का इश्यू अराइज हुआ था। तो इस कमेटी का मेन पर्पस भी यही है, टू आइडेंटिफाई गुड प्रैक्टिस इन डिटरमाइनिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को डिटरमाइन करने के लिए गुड प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करना। इट मीन्स किस तरीके से हम डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, ये इस कमेटी का मेन पर्पस था। नेक्स्ट इज ये पिक्चर है सर रिचर्ड ग्रीनबरी के, जो चेयरमैन थे इस कमेटी के। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस। ग्रीनबरी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी जिसमें मेन ये 5 रिकमेंडेशंस हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज रेम्यूनरेशन कमेटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड कंप्राइजिंग इंटायरली ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कि एक रेम्यूनरेशन कमेटी एस्टैब्लिश की जानी चाहिए जिसमें सारे के सारे ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो कैडबरी कमेटी ने भी एक रिकमेंडेशन दी थी जिसमें उसने कहा था कि रेम्यूनरेशन कमेटी में या तो इंटायरली या फिर मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, लेकिन ग्रीनबरी कमेटी ने कहा है कि इंटायरली मतलब टोटल जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर रिगार्डिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन टू शेयर होल्डर्स, कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए शेयर होल्डर्स को। सो नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग अ रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसको बेस रखकर ही हम रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 12 मंथ्स का ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो कैडबरी कमेटी ने रिकमेंड करा था कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का हो सकता है, लेकिन ग्रीनबरी कमेटी ने कहा है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर का ही होना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज प्रोविजंस बाइंडिंग द कंपनी टू पे कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ डिसमिसल फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, कि अगर किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है तो उसको किस बेसिस पे कंपनसेशन दी जाएगी, इसके रिगार्डिंग में प्रोविजंस होने चाहिए कंपनी में। तो ये 5 रिकमेंडेशंस दी थी ग्रीनबरी कमेटी ने। हम इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
तो फर्स्ट रिकमेंडेशन में कहा था कि रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों। सेकंड में कहा कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए शेयर होल्डर्स को। थर्ड में कहा कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसको बेस रख के ही रेम्यूनरेशन पॉलिसी डिटरमाइन होगी डायरेक्टर्स की। फोर्थ में कहा कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 12 मंथ्स का होना चाहिए। एंड फिफ्थ में कहा कि अगर किसी डायरेक्टर के अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो उसको कंपनसेशन देने के लिए भी प्रोविजंस डिटरमाइन हो। नेक्स्ट इज कॉन्क्लूजन। ग्रीनबरी कमेटी ने कंक्लूड करा है, इट फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ कैडबरी कमेटी रिपोर्ट एंड एड्रेस अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द लेवल ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कि ये कैडबरी कमेटी के ट्रेडिशन को फॉलो करती है एंड इसका मेन फोकस था डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन। इट मींस कैडबरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं ग्रीनबरी कमेटी उसे फॉलो करती है, उसे मानती है, लेकिन इसने अपना मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन को लेकर। तो ये इसका कॉन्क्लूजन था एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर। ओके, गुड बाय।